आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे इतना ही कहूँगा, आज भारत ने दुनिया भर को अपनी जो प्राचीन विद्या कहें, योग कहें, उसको तो देने का काम किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली में इस मुद्दे को रखा था कि दुनिया भर के देश जो है इसको अडॉप्ट करें, और सर्वसम्मति से इसको अडॉप्ट किया गया। आज दुनिया भर के देशों में अगर आप देखेंगे, लोग योग को निरंतर कर रहे हैं, अपना रहे हैं, और इससे उनको स्वस्थ जीवन जीने का भी एक अनुभव हो रहा है। मैं इतना ही कहूँगा, अगर आज आप ट्रेन्स में देखेंगे, मॉल्स में देखेंगे, स्कूल से लेके पार्क्स में देखेंगे, जहाँ जहाँ लोगों को अवसर मिलता है वहाँ पर वो योग करना भूलते नहीं। उसके अलग अलग मुद्राओं को अलग अलग समय पे किया जा सकता है और अपने समय अनुसार लोग इसको करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस और आम व्यक्ति भी इसको अपनाएगा तो उतना ही लाभ मिलेगा। आज अपने यहाँ योग किए को सरस्वती विद्या निकेतन हमारे जो हाई स्कूल डाडा सिब्बा में है, यहाँ पर जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं विक्रम ठाकुर जी के साथ, और यहाँ पर स्थानीय स्कूल के टीचर्स हों, स्थानीय नागरिक हों, विद्यार्थी हों, सब ने मिलकर योग दिवस को मनाया है, योग किया है। और ये भी अनुभव हुआ कि अभी बहुत और लोगों को सीखना भी है, बहुत इसमें निपुण भी होना है, और निश्चित तौर पर जब निरंतर सब करेंगे, दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएंगे, तो इससे बहुत लाभ मिलेगा।